हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। आज जो हमारे उराल का बैच ट्रैवल कर रहा है, 15 अक्टूबर है आज, और ये उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए है, तो हम सारे बच्चे और पेरेंट्स से फीडबैक लेंगे, ठीक है, कि कैसा रहा एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, तो नमस्कार सर। सर, आप खास करके दूर दराज से जो लोग आते हैं या गाँव एरिए से, और ऑनलाइन जब आप एडमिशन प्रोसेस करते हैं तो बहुत सारे डाउट होते हैं, लोग सोचते हैं कि फ्रॉड ना हो जाए, तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ से हैं। सर, मैं प्रमोद आरी, मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैंने अपने बच्चे को आपके थ्रू सोचा था कि ऑनलाइन जब मैंने चेक किया तो थोड़ा मन में डाउट थे मेरे भी काफ़ी सारे जी, लेकिन जब मैं आपसे मिला तो बहुत चीज़ें क्लियर होगी मेरी भी, और आज लगभग 2-3 महीने की प्रोसेस के बाद आज बच्चे को मैं भेज रहा हूँ आपके थ्रू बाहर, तो उम्मीद है कि आगे का भी जो प्रोसेस है वो भी आप इजीली हैंडल कर लेंगे जी जी। और सर, ऐसा तो नहीं रहा कि आपको कुछ और बताया गया और चार्ज कुछ और दिया गया? जो हमें बताया गया था वही चार्ज अभी तक हमने पेड किए हैं, और उम्मीद है कि आगे भी यही पेड करेंगे। और आपने कंपेयर भी किया मार्केट में, तो आपको लगा होगा कि सर, क्योंकि आप इतना दूर एडमिशन लिए तो आपको लगा होगा कि कुछ चीज़ें हैं हमारे में, और जिन चीज़ें हम बताते हैं जी, जो भी चीज़ें आपने बताई वो सारी चीज़ें प्रॉपर निकली अभी तक, और आगे भी प्रॉपर निकलेंगे। अब सर, मतलब अभी तक जो हम जून से शुरू किए थे, जून जुलाई से अभी तक का जो अभी आप फ्लाई कर रहे हैं बच्चे, तो अभी तक का प्रोसेस कैसा रहा, मतलब एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा रहा। मैं उम्मीद रखूँगा कि आगे भी जो बच्चे आप लोगों से जुड़े हैं वो भी इसी तरीके से प्रोसेस से अच्छी तरीके से जाके अपना कोर्स कर पाए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर फीडबैक। एंड हम राहुल जी से बात करना चाहेंगे। राहुल जी, बेस्ट ऑफ लक, और आप पहले अपने बारे में बताइए, क्योंकि आज आप फ्लाई कर रहे हैं उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए, तो कैसा रहा प्रोसेस जब आप यूट्यूब से हमको देखते हैं और कॉल करते हैं तो अब तक? मेरा नाम राहुल सिंह एरिया, मैं प्रमोद जी का बेटा हूँ, मेरे पापा हैं, और 2 दिन मैंने पहले मैंने यूट्यूब की वीडियो देखी थी आपकी, उसके थ्रू मैंने आपके कॉन्टेक्ट किया था। उसके बाद मैंने बहुत सारे डाउट थे, मैंने कॉल वॉल की थी आपको बहुत बार, लगभग 30-40 बार करी होगी। उसके बाद मैंने बहुत सारे डाउट क्लियर करे थे आपने मेरे को कॉल पे। उसके बाद जैसे कि आपने पहले क्लियर कर दिया था, पहले क्लियर कर दिया था सारा, जैसे कि हिडन चार्जेस जो नहीं, जो उसके बाद के अलावा जो मतलब हिडन चार्जेस नहीं थे, पहले बता दी सारे आपने चार्जेस, उसके थ्रू सब मतलब स्मूथली चला अभी तक। ठीक है, तो होप आप जाके पढ़ाई करेंगे और हम मिलते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक। तो आप कहाँ से, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं प्रीतम दास हूँ, गढ़चिरौली महाराष्ट्र से। ठीक है, ओके। मैं उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली है। तो एडमिशन प्रोसेस जो अब तक रहा आपका, हाँ, कैसा रहा? अच्छा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, क्योंकि आप लोग वो स्टूडेंट है जो 1000 में से जो पास आउट हुए थे, क्योंकि 700 फेल हो गए थे, आप लोग वो स्टूडेंट है जो फिल्टर करके जा रहे हैं उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो आपको जो चार्जेस बताया गया था वो तो चार्जेस कोई ज़्यादा तो नहीं लिया आपने? नहीं, फेयर चार्जेस है एकदम, जितना बोला गया था उतने लिया गया। ठीक है, तो इस आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो दूर दराज से आते हैं? आइए, अच्छा, आपकी कंसल्टेंसी बहुत अच्छी हमको लगी एकदम। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। पेरेंट्स हैं, और सर अपने बारे में आप बताइए ज़रा। मैं कृष्णकांत दास, महाराष्ट्र गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ, और जो मेरे बच्चे हैं प्रीतम दास, वो अभी रशिया उराल यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा आपको सहकार्य मिले हैं, सब ठीक ठाक है, जैसे बताए वैसे सब कुछ ही हमारा यानी हेल्प हुआ है, बाकी कोई हमारा परेशानी या कोई किसी प्रकार की दिक्कत अगर नहीं हुआ है। सारा डॉक्यूमेंट से आपका प्रोसेस, वीजा प्रोसेस, सब चीज़ स्मूथ हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, 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 कोई भी दिक्कत नहीं, नहीं, क्योंकि लोगों का सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उनके साथ जो फ्रॉडिंग होता ना, लोग घबरा जाते हैं विदेश भेजने से पहले ही, उनको लगता है कि कुछ ऐसा ना हो कि काट ले उनका। नहीं, इस प्रकार के कुछ फ्रॉड अगर हुआ नहीं है, जो भी बच्चे जाना चाहते हैं मैं पेरेंट्स से वही गुजारिश करूँगा, आप लोग भी भेजिए वहाँ पे, अच्छा कॉपरेट मिला है हमारा, तो अपने जो ये उदय सर है और अपने वेंकटेश सर है, दोनों का अच्छा कॉपरेट रहा, ठीक ठाक है, बच्चे लोगों को भेजने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एंड आपका क्या नाम है, आप अपना डिटेल बताइए। मेरा नाम संकेत गौकर है और मैं नागपुर महाराष्ट्र से। हाँ, थोड़ा तेज़ बोलिए, क्योंकि हाँ साउंड जो है ना एयरपोर्ट पे पता नहीं चलता। मेरा नाम संकेत गौकर है और मैं नागपुर महाराष्ट्र से। ठीक है, तो जो आपका एडमिशन प्रोसेस रहा अभी तक वो कैसा रहा, स्मूथ रहा कि कोई डिफिकल्टी तो नहीं आई आपको?
नहीं, कोई डिफिकल्टी नहीं है, एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल स्मूथली हुआ, मुझे मतलब कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो कोई मतलब आपको हिडन चार्जेस कुछ ऐसा तो नहीं लगा कि जी नहीं बताया गया हो, आप बताया जा रहा हो आपको अचानक? नहीं नहीं, हिडन चार्जेस तो कोई नहीं है, जो भी चार्जेस थे वो पहले ही पता चल गए थे। ठीक है, तो थैंक यू गाइस। और सर हैं महाराष्ट्र से और पहले पेरेंट्स हैं संस्कृति का, तो पहले बेटा आप अपने बारे में बताइए। ओके, चंद्रपुर से हैं। ठीक है, तो आप सर आप फीडबैक दीजिए जो आपका एडमिशन प्रोसेस रहा अभी तक, बच्चा आज फ्लाई कर रहे हैं ठीक है उराल स्टेट एक दिन वर्ग, तो कैसा रहा, स्मूथ प्रोसेस रहा, कैसा रहा एक्सपीरियंस रहा सर आपका? शुरू से जैसे उनकी मुलाकात हो गई जी, और उन्होंने जो जो बताया उस समय पे नहीं क्या सभी बातें उन्होंने की है जी, और सब हर तरह का कोऑपरेट नहीं क्या जी हर स्टेज पे, क्योंकि बिटिया जो है आपको बताया कि 1000 स्टूडेंट बैठे थे और उराल में 700 बच्चे फेल हो गए थे, उनमें से ये पास करके जा रही है, क्योंकि 700 बच्चे तो वैसे ही बाहर हो गए जो मतलब जिनको थोड़ा भी मतलब टैलेंटेड नहीं थे या जिनका केमिस्ट्री और बायोलॉजी वीक थे, क्योंकि ये बहुत स्ट्रिक्ट एग्ज़ाम लिया था उराल ने, और उसमें से हमारे 15-20 बच्चे में से ये अभी 7-8 बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं वो 20 out of 20 हुए हैं उस मतलब, अभी अगर देखा जाए तो 1000 में से ये बच्चे जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर आप फीडबैक के लिए। और मैम आप कुछ कहना चाहेंगी, आप स्मूथ प्रोसेस रहा या कोई दिक्कत आई आपको, क्योंकि आप दिल्ली में 3 दिन से थे घूमे भी? दिक्कत कुछ भी नहीं है, अच्छा है सर, मगर इसकी सेहत के लेकर डर लग रहा है। नहीं वो तो है, सारे पेरेंट्स कंसर्न रहते ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आती, बच्चे कम जाके सेट हो जाते हैं सर। ठीक है, ये 1 सेकेंड। नाउ वी आर टॉकिंग विद द तमिलनाडु पेरेंट्स, he trusted and I am thanks a lot to after watching a YouTube video. Because from if you see south side they generally don't trust, okay, because due to the some frauding that sometime agents are telling something and doing some fraud, so they don't trust. You have taken an admission through us, so what do you want to say to the public? It's okay sir, lots of agencies are there, but I have trust with you. It's your service is always good, and you timely pick the phone calls, and your reply and timely reply. And one more thing, whenever we call, even you are in the university person in Russia, yes, they are responding us. That is the only reason I trust you. I just before admission, twice I called to Russia, they are responding me. And after admission, I just several time called to Russia, your person in Russia. They just take the call, they're given a proper response to me. So, what is your location in Tamil Nadu? Actually, I'm from Madurai. From Madurai, Tamil Nadu, and down south actually. Okay. Southern part of Tamil Nadu. Okay, how your admission process has been done? What is your experience? Very smooth and good. Admission process is very smooth and good. Thank you, sir. Now Radhika. Radhika is going to join Ural State Medical University. So we have talked several times when your exam is started. And so tell me, because students want to know from Tamil or other south side, so how your admission process and whenever anything required, I help or not. So till now, tell the public. So from the admission process, sir helped a lot to me. Whenever we call him, he always pick the call and he answer thoroughly. And every process gone very smoothly and it's well till now. Thank you, Radhika, and best of luck. So ma'am, in a Tamil, do you want to say something about our process? Okay, because your feedback is very important for us. Okay, so in a Tamil, you can tell to the public, because Tamil public also watch me on through the YouTube. எல்லா டைமும் காலை எடுத்தாரு நம்பிக்கை.
நம்பிக்கையாக எல்லாமே பதில் சொன்னார். எல்லா நேரத்துலையும் எங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்தார். அதனால் தைரியமாக பொண்ணு அனுப்பி வைக்கிறோம். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். தேங்க்யூ. ஓகே, தேங்க்ஸ். हो गया ना पूरा रिकॉर्ड?